नेपाल और बिहार में कई दिनों की मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। सुपौल से लेकर गोपालगंज के बीच बहने वाली नदियां उफान पर हैं। इन नदियों का पानी फैलने से निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। मधुबनी, शिवहर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर जैसे जिलों में बाढ़ के हालात हैं। ये नजारा आप पश्चिम चंपारण का देख रहे हैं, जहां पर बाढ़ से हाहाकार मचा है। योगापट्टी इलाके में गंडक नदी का पानी फैलने से शिवहर और मोतिहारी के बीच सड़क संपर्क भंग हो गया है। वहीं बागमती नदी में उफान से बेलवा के पास SH-54 पर पानी चढ़ गया है। इस इलाके में पिछले 3 दिनों से जनजीवन मझधार में फंसा है। जिला प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं होने पर बाढ़ प्रभावित परेशान हैं। निचले इलाकों में रह रहे लोग ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। पानी कब बढ़ा है? 4 बजे सुबह आवे जाने के आवे जाने बहुत दिक्कत बा। हम दहाई बारी गांव में। रोड पर भी कितना फीट पानी बा? रोड पर 5 फीट पानी बा। सरकार से कोई अभी नाव मिल रहा था कि ना? कुछ ना, सरकार अभी कुछ भी नहीं दिया है। हमारे किसान भाई को बहुत क्षति झेलना पड़ रहा है, जिसको भल कल ही परसों पूरे लोग पानी के लिए त्रस्त थे, जो कि पानी पटा कर रोपनी किया, इसके लेकर आज अचानक बाढ़ इतना तेजी से आ गया कि पूरा फसल को क्षति पहुंचाया गया है, जिसके लेकर सरकार से हम आग्रह करेंगे कि भंडार पंचायत को बाढ़ ग्रसित घोषित कर सरकार अपने तरफ से मुआवजा का अनुदान प्रदान करे। जो बागमती और लालबकिया जो नदी है, जिसमें जल स्तर काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसके लेकर ग्रामीण इलाकों में काफ़ी पानी का मात्रा बढ़ रहा है, जिसके लेकर अभी मुख्य सड़क पर लगभग 3 से 4 फीट पानी है। इसके लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? इस पर तो जिला प्रशासन को अपना पूरी तरह तैयारी कर यहाँ नाव की व्यवस्था भी करनी चाहिए, क्योंकि आवाजाही में बहुत ही परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कैमरा घुमा कर कि बहुत सी ऐसी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है लोगों को, जिसके लेकर जिला प्रशासन से हम मांग करेंगे कि यहाँ अपनी व्यवस्था किया जाए कि लोगों को आवाजाही में परेशानी ना हो, और यहाँ की जनता को भी घर तक पानी घुसने के कगार पर है, इसके लिए उचित मुआवजा का अनुदान प्रदान करें। लगभग 3 से 4 ऐसा पंचायत है जो पताही मुख्यालय को जोड़ती है, जो पचपकड़ी या पताही मार्केट है, कि जाने पर मजबूर है, फिर भी इस पानी में ज़्यादा करेंट होने के कारण इसमें क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, क्या इसके लेकर कुछ कहेंगे? देखिए, यहाँ तक जनता को जरूरत के चीज़ के लिए तो जान जोखिम में डालने का, सुनने से किसान ऐसा है कि हमेशा जान जोखिम में डालकर ही सब चीज़ करते हैं, लेकिन फिर भी सरकार इस पर गुंडी और बहरी की सरकार है। आज तक भी सरकार यह नहीं सोची कि बाढ़ से पहले हमें समुचित व्यवस्था किया जाए, जिसके लेकर कि आम जनता को समस्या न हो। आज तक जब अचानक बाढ़ आ जाने से बहुत से ऐसे घर में जो कि तीना सब्जी की खाने की व्यवस्था नहीं है, और आज भी खाने की व्यवस्था करने के लिए जान जोखिम में डालकर जाने के लिए मजबूर है।